डॉक्टर रूपाली सिंह, कैटरेक्ट एंड रेटिना स्पेशलिस्ट, नेत्र माई फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज से होने वाली पर्दे में चेंजेस को कहते हैं। इसमें पर्दे में तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि पर्दे में सूजन आ जाना, पर्दे में ब्लीडिंग हो जाना, नई नसों का बन जाना, कुछ तरह के डिपॉजिट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स भी हो जाते हैं डायबिटीज़ के रहते। डायबिटीज़ से आँखों की जो पर्दे की नसें होती हैं वो लीकी हो जाती हैं, जिस वजह से सूजन भी आ जाती है। इन सब चीज़ों की वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स में उनकी नज़र कम हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स डायबिटिक रेटिनोपैथी के ये हैं कि अगर आपको बहुत टाइम से डायबिटीज़ है या फिर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उसकी वजह से सूजन आना और ये सब ब्लीडिंग के आने की वजह से आँख की रोशनी कम हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आँख के आगे काले धब्बे दिखाई दे रहे हों, या फिर कुछ तरह के फ्लोटर्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता कैसे चले कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है या नहीं? पहले तो अगर आपको डायबिटीज़ बहुत टाइम से है, बहुत साल से है, या फिर आपकी डायबिटीज़ काफ़ी टाइम से अनकंट्रोल्ड है, तो आपको अपना आँख का पर्दा ज़रूर चेक कराना चाहिए। अगर आपका विजन यानी कि आपकी रोशनी कम होती चली जा रही है, अगर वो धीरे धीरे कम हो रही है तो भी आपको दिखाना चाहिए, और अगर वो सडनली अचानक से कम हो जाए तो भी दिखाना है, तब भी ऐसा हो सकता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी आपकी आँख में हो रही है। अगर रोशनी कम होने के साथ साथ कुछ काले धब्बे दिखाई दे रहे हो या आँख के आगे कोई पर्दा टाइप आ रहा हो, तो भी हो सकता है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, तो आपको तुरंत आके रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सही लगी हो या आपकी रेलेवेंट लगी हो, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें।